कई सालों से इस फिल्म का इंतज़ार किया जा रहा था और फाइनली ये फिल्म थिएटर्स में आ चुकी है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ फिल्म ब्रह्मास्त्र की। तो आइए जानते हैं रिपोर्टर्स से कि उनको ये फिल्म कैसी लगती है। मुझे बहुत बहुत अच्छी लगी, बहुत मज़ा आया, एंटरटेनिंग, एंथ्रॉलिंग, कैप्टिवेटिंग। जो उम्मीद थी कि एक फैंटेसी फिल्म बिग स्केल पे कैसी लगेगी, बिल्कुल वो उम्मीदों पे खरी उतरती है। और कुछ कुछ जगहों पे तो मैं कहूँगी कि उम्मीदों से बहुत बेहतर भी लगती है ब्रह्मास्त्र। बहुत खुशी हो रही है कि हम लोग हमेशा हॉलीवुड फिल्म्स की तरफ देखते थे और साउथ फिल्म्स की तरफ भी देखते हैं कि वो लोग इतनी अच्छी फैंटेसी स्टोरी टेलिंग करते हैं, तो अच्छा लग रहा है कि हिंदी फिल्म भी ऐसा कर रही है। और उम्दा विजन है अयान मुखर्जी का। आई थिंक हैट्स ऑफ टू द डायरेक्टर। मुझे पिक्चर बहुत पसंद आई है। पिक्चर में अभी तक ये इस पिक्चर में आयन मुखर्जी ने 11 साल दिए हैं और वो बात शुरुआत से यही कहते आए हैं कि ये जब पिक्चर बनाना शुरू करा था, जब वो पिक्चर जो थी और जो वो बन गई उसमें बहुत फ़र्क था, और वो बन गई वाला लेवल आपको नज़र आता है फिल्म में। कुछ जो आस्पेक्ट हैं, पहली चीज़ है उन्होंने जो एक एस्ट्रावर्स की दुनिया बनाई है, आपको उसमें विश्वास होता है, आपको ब्रह्मांड में विश्वास होता है, आपको ये लगता है कि यस इस तरह के अस्त्र होंगे, यू गेट इंटवाइंड इन द स्टोरी। पटकथा और संवाद होता है, उसमें संवाद थोड़ा सा ढीला है, डायलॉग्स में थोड़ा और इम्प्रूवमेंट हो सकती थी। पटकथा बहुत बढ़िया है, स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है इस पिक्चर की, एंड VFX तमिल, तेलुगु, कन्नड़, कर्नाटक, एनीवेयर दिस काइंड ऑफ VFX इज नॉट डन। आई रियली वॉन्ट दिस फिल्म टू वर्क एंड आई थिंक ये फिल्म काम करनी चाहिए। एक बहुत अच्छे छोर पे उन्होंने पिक्चर छोड़ी है। शायद इसकी फ़ैन थ्योरीज बननी शुरू हो जाएं, जैसे एवेंजर्स की फ़ैन थ्योरीज हैं, जैसे मार्वल और DC कॉमिक्स के कैरेक्टर्स हैं। तर्ज बहुत अच्छी पकड़ी है। शुरुआत के 30 मिनट पिक्चर थोड़ी ढीली चलती है, आपको समझ नहीं आता कहाँ से पकड़नी है, बट देन इट पिक्स अप एंड इट रियली क्लिक्स ऑन टू यू। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड फिल्म, यू मस्ट वॉच। बहुत डिफरेंट है, हॉलीवुड में जिस तरह की फैंटेसीज बनती हैं उसके मुकाबले बहुत बड़ी एक्सपेरिमेंट है, और ख़ास तौर पर हमारे देश की प्राचीन संस्कृति को लेके जो आयान ने अपना प्रयोग किया है वो बहुत अच्छा है, पर कहानी थोड़ी सी और बेटर हो सकती थी। ब्रह्मास्त्र के लिए एक शब्द कहूँगा, स्पीचलेस। और जो लोग कॉपीवुड कहते हैं बॉलीवुड को, जो लोग कहते हैं कि इसकी अपनी जो है ओरिजिनैलिटी नहीं है और सिर्फ साउथ फिल्म से कॉपी करता है, तो उन लोगों को एक करारा जवाब है, यही कहना चाहूँगा। तो बहुत अच्छी फिल्म है और आयान मुखर्जी जो डायरेक्टर हैं उन्होंने बहुत मेहनत की है, बहुत ही अच्छे मतलब एक सब्जेक्ट को उन्होंने पेश किया है, और ये फिल्म पूरे परिवार के साथ में बच्चों को भी बहुत ही पसंद आएगी। इट वॉज वेरी मैजिकल, वेरी अमेजिंग, दिस इज़ अ वेरी बिग कमबैक फॉर बॉलीवुड। बहुत अच्छी मूवी है, और फिल्म में आयान मुखर्जी का डायरेक्शन के साथ साथ जो VFX का है, फाइटिंग सीन है, रोमांटिक सीन है, वो सब बेहतरीन लग रही है, एक उभर के आया है फिल्म। बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, फैंटास्टिक, इट वॉज अ वेरी गुड फिल्म। रणबीर कपूर, आलिया हैज़ डन वेरी गुड पार्ट। बहुत अच्छी कास्ट है, दोनों की केमिस्ट्री इतनी अच्छी दिख रही है, और सब लोगों ने एक्टिंग भी बहुत अच्छी की है। मौनी रॉय बहुत बहुत अच्छी लग रही है मुझे, सच अ पावरफुल परफॉर्मेंस। लव्ड रणबीर एंड आलिया इन सम वेज, इन फ्यू सीन्स आई लव्ड हर अ लॉट, सम वेयर शी फेल्ट अ लिटिल ऑफ फॉर मी। अमिताभ बच्चन, नागार्जुना एंड ऑफ कोर्स द मोस्ट टॉक्ड अबाउट शाहरुख खान्स कैमियो, इट्स अमेजिंग। मुझे मौनी का काम तो बहुत ही एक अलग ही लेवल पे लगा, जिस तरीके से उन्होंने वो जो नेगेटिव कैरेक्टर को दिखाया है। ऑफ कोर्स रणबीर आलिया तो वो हैं ही, अट्रैक्शन का केंद्र हैं ही, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और उन्होंने जिस तरीके से क्लाइमेक्स सीन दिया है, बच्चन साहब ने बहुत अच्छा काम किया, नागार्जुन बहुत अच्छे लगे। लेकिन जो ओवरऑल मतलब एक देखा जाए ना कि विलन टाइप की, तो वो अच्छा बनाया है मौनी का कैरेक्टर। आलिया रणबीर की जो केमिस्ट्री है इस फिल्म में मतलब वो प्लस पॉइंट है, दोनों का जो इमोशंस है, दोनों का जो लक्षण है, बहुत ही अच्छा काम किया दोनों ने, और वैसे भी दोनों कमाल के एक्टर हैं। और इसमें अमित जी हैं, आप शाहरुख खान को भी इसमें गेस्ट अपीयरेंस में देख सकते हैं, उन्होंने भी अच्छा काम किया। नागार्जुन है दक्षिण के, उन्होंने बढ़िया काम किया, और बहुत बढ़िया काम किया मौनी राव ने, जिन्होंने इसमें नेगेटिव कैरेक्टर किया है, तो उनका भी काम बहुत ही शानदार है। 5 stars, I can easily give it 4 stars. 4, definitely 4. I think I'll give it a 4. 3.5 star. उसको 3.5 से 4 के बीच में कहीं दूँ। Well, तो ये था हमारा रिपोर्टर्स रिव्यू। आप भी जाइए नज़दीकी सिनेमा घरों में और इस फिल्म को 3D में ज़रूर देखिए, और हमें कमेंट सेक्शन में
कमेंट करना ना भूले कि आपको ये फिल्म कैसी लगी। दिस इज पूजा पटेल हियर साइनिंग ऑफ फॉर बॉलीवुड नाउ विद कैमरा पर्सन दीपक।